श्री बाबा अमरनाथ मानव कल्याण समिति की ओर से ब्रजघाट से भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों का महानगर आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। मिलन विहार दिल्ली रोड पर समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन कर शिव भक्तों के विश्राम एवं भोजन के साथ ही मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। वहीं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के चेयरमैन राकेश कुमार अरोड़ा ने वैदिक रीति से पूजन के साथ भंडारे का शुभारंभ किया और नारियल फोड़कर भोजन रथों को प्रसाद वितरण के लिए रवाना किया। इस क्रम में उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष क्षेमेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि शिव भक्तों का स्वागत करके मन को असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। समिति की ओर से ये द्वितीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। समिति द्वारा किए गए इस कार्य को समाज के सभी वर्गों का पूर्ण सहयोग मिला। समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने जिस तरह से भंडारे की सभी व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दिया है वो प्रशंसनीय है। समिति भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन करती रहेगी। तो कहता हूँ कि बहुत बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं समाज में, ये जो ये लोग कर रहे हैं मिलन विहार, तो सबको करना चाहिए। हम सबका एक तरीके से कर्म भी है ये, भगवान में श्रद्धा होना, भगवान को मानना, और भगवान तो है, हम लोग कुछ लोग माने या नहीं माने पर है, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको कंटिन्यू करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए। प्रबंधक राजीव गांधी ने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा करना है। श्री अमरनाथ यात्रा से लेकर कांवर यात्रा के आयोजन में समिति अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती चली आ रही है। भविष्य में ये कार्य जारी रहेगा। अमरनाथ मानव कल्याण समिति द्वारा भंडारे का आयोजन कराया गया है। द्वितीय कांवर भंडारा का आयोजन किया गया है समिति के पदाधिकारियों द्वारा। आज हमारे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के चेयरमैन माननीय श्री राकेश कुमार अरोड़ा जी द्वारा आरती करके प्रसाद वितरण करके और गाड़ी भोजन रस्ता की गाड़ी का शुभारंभ करके इस भंडारे का आयोजन किया गया है। और मैं सभी महानगर वासियों को सावन की रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय। गौरतलब है कि भंडारे के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मुरादाबाद, जी एस रावत क्षेत्रीय प्रबंधक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक संभल, एपी गुप्ता, राजीव ढल निदेशक साई हॉस्पिटल, अधिवक्ता मुकुल अग्रवाल, मनीष पाहवा, सोनू यादव आदि विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे।